आज की वीडियो में बनाने वाले हैं हम बहुत ही मजेदार ऐसे क्रिस्पी ऑमलेट सैंडविच। तो अगर आप भी चाहते हैं ऐसे मजेदार ऑमलेट सैंडविच बनाना तो देखते रहिए रेसिपी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मानुका किचन। जी आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है ऑमलेट सैंडविच की, जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है और आप किसी भी टाइम इसे खा सकते हैं। नाश्ते में, दोपहर में, बच्चों को लंच में दे सकते हैं। और आप जिम जाने लगे, जिम जाने से पहले आपको कुछ खाना है, फटाफट ऑमलेट बनाया और खा लिया। आप रात में जाग रहे हैं तो आपको भूख लगी तो फटाफट ऑमलेट बनाया और खा लिया, तो ये फ़ौरन से बनने वाली रेसिपी है तो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पे हमने ले लिए हैं 4 स्लाइस डबल रोटी के और 3 अदद अंडे हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। अब इसमें हमें किन किन चीज़ों की मज़ीद ज़रूरत है, यहाँ पे मैं ब्लू बैंड इस्तेमाल करूँगी और यहाँ मैं केचप का इस्तेमाल करूँगी, ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें हम 1 डिश स्पून ऑयल डालेंगे जिसमें हम ऑमलेट बनाएंगे। तो इसके लिए हमने एक छोटा प्याज बारीक चॉप करके रख लिया हुआ है, 1 अदद टमाटर बारीक चॉप करके रख लिया है, 1 अदद हरी मिर्च चॉप करके रख ली है। यहाँ मैंने लिया है धनिया की गट्टी, आधी गट्टी मैंने ली है। धनिया बहुत अच्छा लगता है ऑमलेट में। इसमें चीज़ें जो है आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन ये जो मैं मसाले बता रही हूँ ये आपने इतने ही डालने हैं। यहाँ मैंने ले लिया है चाट मसाला जो कि घर का बना हुआ है, ये मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। ज़ीरा ले लिया है 1/2 टीस्पून। कुटी लाल मिर्च लिए 1/2 टीस्पून। यहाँ हमारे पास है मायनीज जो हम स्लाइस में इस्तेमाल करेंगे, नमक 1/2 टीस्पून। और ये मैंने मिक्स हर्ब लिया है, इससे ऑमलेट का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। आप ओरिगानो भी डाल सकते हैं, मिक्स हर्ब भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास दोनों में से कुछ नहीं है तो ये आप नहीं छोड़ दें, ऑप्शनल है ये। बहरहाल ये डालेंगे तो इससे बहुत ज़बरदस्त ऑमलेट का फ्लेवर आता है। यहाँ मैंने ले लिए काली मिर्च पिसी हुई, ये भी 1/2 टीस्पून। तो अब हम किस तरीके से बनाएंगे ऑमलेट, तो चलते हैं। तो यहाँ हमने एक बॉल ले लिया है, इसमें हमने ये 3 अदद अंडे डाल लिए हैं। अब इसमें हम ये चॉप किए हुए प्याज डाल लेंगे और टमाटर डाल लेंगे। आप इसमें चाहें तो और दूसरी चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पालक, शिमला मिर्च, आपकी मर्जी है। अच्छा, ये हमने हरी मिर्च इसमें शामिल कर दी। यहाँ हमने डाल दिया ज़ीरा, चाट मसाला, कुटी मिर्च, काली मिर्च, और ये हमारा हो गया मिक्सर, और ये आ गया नमक। अच्छा, ये आ गया हमारा धनिया, ये हमने डाल देना है और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें। और हमने फ्राई पैन में ऑयल डाल के गरम करना है इसको। अच्छे से मैं मिक्स करूँगी और फिर आपको ऑमलेट बनाना बताती हूँ। ऑयल हमने गरम कर लिया है पैन में, अब हम इस ऑमलेट को इसमें डालेंगे। अच्छा, ये आधा हम पहले बनाएंगे, आधा बाद में बनाएंगे। आँच हम हल्की रखेंगे और इसे इस तरीके से फैला देंगे ऐसे। ऑयल को हम इस साइड पे भी लेके आएंगे उठा के। आँच तेज़ नहीं होनी चाहिए वरना आपका ऑमलेट जल जाएगा। ये एक साइड से पकता है 2 से 3 सेकंड में, तो मैं इसको दूसरी साइड से पलट के आपको दिखाती हूँ। ये एक साइड से पक गया है, हमने इसको पलट लिया। इसको चम्मच से हम इस तरीके से दबाएंगे क्योंकि हमारे जो इसमें टमाटर है उसमें जूस होता है, तो एकदम ताकि सॉफ्ट होके बीच में पक जाए। तो ये जैसे ही दूसरी साइड से भी इस तरह का गोल्डन हो जाएगा तो मैं इसे निकाल लूँगी और दूसरा ऑमलेट हम बनाएंगे। फिर 2 से 3 मिनट एक साइड पे लगेगी और आंच तेज़ मत रखिएगा, हल्की रखिएगा, और इस तरह चम्मच से प्रेस करते रहें। हमारे दोनों ऑमलेट हमने बना के ऊपर नीचे रख के इसको बीच में से कट कर लिया। अब हम इसको एक साइड पे करेंगे और ये हमारी ब्रेड है, इसे अब हमने क्या करना है, इनको स्लाइसिस मायनीज लेनी है, ये हमने लगानी है इस तरह से। ये घर की बनी हुई मायनीज है हमारी। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे तो देख सकते हैं। 1 पीस पे हम मायनीज लगाएंगे, 2 पे हम मायनीज लगा लेंगे, 2 पे हम केचप लगाएंगे। ठीक है, आप मायनीज या केचप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमने कर लिया, अब हमने क्या करना है, ये हटा देनी है और इस पर हम लगाएंगे केचप, बिल्कुल कम से, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे। इस तरह से केचप लगा देंगे और हमने इतनी देर में चूल्हे पे अपना फ्राई पैन, ग्रिल पैन जो है वो गर्म करने रखा हुआ है। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप तवे पे या सादे फ्राई पैन में भी कर सकते हैं।
हम ग्रिल पैन पे कर रहे हैं, इस तरीके से हम इस पे भी केचप लगा लेंगे। और अब हम इसमें रखेंगे ऑमलेट और इसको बटर डाल के इसको सेक लेंगे। अब हम इसमें ऑमलेट डालेंगे। हमने एक अंडा जो हाफ किया हुआ था इसको डबल करके इस पे रखा है, एक इस पे रखा है, और ये जो दूसरा हमारा पीस था मायनीज वाला ये हम इस पे रखेंगे और इस तरीके से रखेंगे। अब इसके ऊपर हम बटर लगा के इसको ग्रिल पैन में बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करके आपको दिखा रहे हैं। हमारा पैन गर्म हो गया है, हमने अपने सैंडविचेस पे बटर लगा लिया है और अब हम इसको इसमें रखेंगे और आंच हम हल्की ही रखेंगे। इस तरीके से हमने इसको रखना है ऐसे, और दूसरी साइड पे भी हमने बटर लगा लेना है। और पहले हम इसको इस तरीके से हल्के हल्के प्रेस करेंगे ताकि हमारे ग्रिल के जो निशान है वो हमारे सैंडविचेस में आ जाए, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अगर आपके पास ये ग्रिल पैन नहीं है तो आप सादे फ्राई पैन में भी कर सकते हैं। ये एक तरफ से गोल्डन होता है तो फिर मैं आपको दूसरी तरफ भी पलट के दिखाती हूँ। ये एक साइड से हमारा सैंडविच सिक चुका है, आप देख सकते हैं इसमें लाइनें आके कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको हल्के हल्के इस तरीके से हमने प्रेस करना है। दूसरी तरफ भी हमने बटर लगा के इसको पलट दिया है, दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होगा, तो फिर मैं इसे निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो हमारे गर्मा गर्म क्रिस्पी ऑमलेट सैंडविच तैयार है, आप बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको मिल सके। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।